अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बस यही करना है कि एक प्यार भरा, मददगार और ऊर्जा भरा माहौल बनाएं। ये मानना जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जो नया जीवन है वो मूल रूप से बुरा है और आपको उसे कई नैतिकताएं, मूल्य, विचार और विचारधाराएं सिखानी होंगी। वैसे एक बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमें बस ये समझना होगा कि वो स्वाभाविक रूप से खुश और खुशहाल है, पर उसकी खुद को बचाने की प्रवृत्ति मजबूत है और वो निश्चित तरीकों से स्थितियों का जवाब देता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हर माता पिता को करनी चाहिए वो ये है कि जब तक आपका बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक आपको ये पक्का करना चाहिए कि अपने घर के माहौल में उसे ये कभी ना दिखे कि डर क्या है, चिंता क्या है, गुस्सा क्या है, नाराजगी क्या है, निराशा क्या है। आप बस ऐसा माहौल बनाए रखें कि आपका घर खुशी और प्यार से भरा हुआ हो, फिर आपको ये गारंटी होगी कि वे बहुत अच्छे से बड़े होंगे। वैसे तो बाहरी असर पड़ने की संभावना हमेशा रहती है, पर अगर आप घर में बहुत ही सुखद और सुंदर माहौल बनाए रखते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे पर सबसे बड़ा असर इसका होगा। बाहर अगर उन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है तो वे जान जाएंगे कि उसे दूर कैसे करना है। अगर घर का माहौल बहुत सुखद और सुंदर हो तो आपको अपने बच्चे के साथ बस यही करना है, ये पक्का करें कि आप एक अद्भुत जीवन होने की लगातार मिसाल दें। तो अगर आपके बच्चे हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको खुद पर काम करना होगा। शिक्षा एक ऐसा साधन होना चाहिए जिससे इंसानी बोध और चेतना बढ़े। एक बड़ी मशीन के हिस्से बनाने का साधन नहीं होना चाहिए। क्या हम अद्भुत मनुष्य पैदा करने में रुचि रखते हैं, या हम उन्हें इस आर्थिक इंजन में फिट करना चाहते हैं जिसे हमने बनाया है, जो पूरी धरती को तबाह कर रहा है? हम अपने आर्थिक इंजन को जितनी तेजी से चलाते हैं, विनाश उतना ही ज्यादा होता है, ये हम सभी जानते हैं। हमारा आर्थिक इंजन एक ऐसा इंजन है जिसका एक्सेलरेटर हम सभी ने पूरा दबा रखा है, पर स्टेयरिंग व्हील कोई नहीं संभाल रहा है। हमें अपने बच्चों को ऐसी गाड़ी के पहियों के नीचे नहीं डालना चाहिए जो बिना रुके आगे बढ़ती जा रही है और इसके स्टेयरिंग व्हील पर किसी का काबू नहीं है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है अपने शिक्षा को देखने के तरीके पर फिर विचार करने का। शिक्षा को निश्चित रूप से हमें ऊंचे बोध और ज्यादा जागरूक जीवन की ओर ले जाना चाहिए, और सबसे बढ़कर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हर इंसान के अंदर से इंसानियत उमड़ पड़े। जब आप में इंसानियत उमड़ पड़ेगी तो आपको दिव्यता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ऐसी मिसाल पेश करें कि वे भी आपके जैसा बनना चाहें, फिर आपको ज्यादा परवरिश नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे ध्यान देकर और भागीदारी से सीखते हैं, ना कि पढ़ाई लिखाई और फिलॉसफी से जो शायद आप सिखा रहे हैं। कृपया ऐसी मिसाल कायम करें, वैसे इंसान बने जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह उनके मन में आप सुपरस्टार बन जाएं। फिर आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि वे आपके जैसा बनना चाहेंगे। आपको बस यही करना है, खुद को ऐसा बनाएं कि बच्चे भी आप जैसा बनना चाहें। एक जरूरी चीज जो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो है उन्हें कुछ समय के लिए प्रकृति में लेके जाना। जो आप घर पर नहीं पढ़ा सकते, जो स्कूल, शिक्षक और माता पिता नहीं कर सकते, वो प्रकृति कर सकती है। ये बच्चों को कई आदतों से दूर रखने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि बच्चों को लत लगने का डर हर परिवार को सताता है, और सबसे बढ़कर बच्चों में अपने आप ही
अनुशासन का भाव समा जाएगा। जब बच्चे बाहर प्रकृति में जाएंगे, क्योंकि वहां क्या कारगर है और क्या नहीं है ये साफ नजर आ जाता है। इसलिए every parent, those of you who are in some way dedicated to offer a better next generation than who we are, सभी माता पिता, आप में से वे लोग जो अपनी तुलना में आने वाली एक बेहतर पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए समर्पित हैं तो आपको कुछ समय निकालना होगा ताकि आप अपने बच्चों को जंगलों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र में ले जाएं, जो भी उपलब्ध है। अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो लंबी छुट्टियों पर नहीं जा सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने शहर के आसपास अगर आप कहीं जाएंगे तो एक छोटी सी पहाड़ी, कुछ चट्टाने मिल जाएंगी, उन्हें क्रॉस कंट्री ट्रैक करवाएं। आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सबसे बढ़कर बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।